अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हाँ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज मौजूद हूँ अबू धाबी में, एंड दिस इज़ वुमेंस यूनिवर्सिटी अबू धाबी, हायर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं यहाँ पर क्या करने आई थी, हम लोगों ने यहाँ पर एक वर्कशॉप अटेंड की है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से थी, और दिस इज़ ऑल अबाउट MOE सब्जेक्ट इन स्कूल्स, के स्कूल्स में जो है वो 2021 में कौन सा सिलेबस जो है वो उसको इशू किया जाएगा, और उनका असेसमेंट मेथड क्या होगा, और सारा उसका साइकिल कैसा होगा, और उसकी क्या पेडागोजी मेथड्स होंगे ऑफ टीचिंग। और ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद हम लोग रिफ़्रेशमेंट इंजॉय करने के बाद बाहर आ चुके हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छी रिफ़्रेशमेंट भी सर्व की हमें, तो मौसम बहुत अच्छा था जब हम बाहर निकले, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लिप्स आप सबके लिए भी शेयर करूं। तो यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी के जैसे जैसे हम चलते जा रहे थे वैसे वैसे मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करती जा रही हूँ, और हम ये मेन हॉल से जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मेन ये कॉन्फ्रेंस थी, वर्कशॉप थी, इट्स अ सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप। तो अब हम इसे बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है, और ये यूनिवर्सिटी का बाहर का एरिया है जहाँ पर आप कुछ बिल्डिंग्स देख सकते हैं, और ये पार्किंग का एरिया है सामने। और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो गेट यहाँ से लेफ़्ट साइड पर है। तो मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी और थोड़ी सी धूप भी थी जिस टाइम हम लोग फ्री होकर निकले यहाँ से। तो ये ऑलमोस्ट 2:30 बजे का टाइम था। तो आप भी मेरे साथ इस यूनिवर्सिटी को विज़िट करें, और इससे पहले कौन कौन यह यूनिवर्सिटी देख चुका है, जो लोग अबू धाबी में रहते हैं और UAE में हैं उनको इस यूनिवर्सिटी का पता होगा। यह अबू धाबी में एक बहुत फेमस वुमेंस यूनिवर्सिटी है, और दिस इज़ स्पेशली फॉर वुमेन, यहाँ पर बॉयज़ नहीं हैं, दिस इज़ ओनली फॉर द गर्ल्स। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपनी काफ़ी वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स जो हैं वो टीचर्स के लिए कंडक्ट करते रहते हैं। तो इसी तरह की एक वर्कशॉप हमने पहले भी अटेंड की थी, और आज भी वर्कशॉप हमने अटेंड की है, एंड इट वाज रियली वर्थ अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, जिससे हमें काफ़ी सारा नॉलेज मिलता है कि आने वाले टाइम में, दिस इज़ 2020 और 2021 में क्या होने वाला है, मिनिस्ट्री कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करने वाली है। तो बस यहाँ से फ्री होके मैं ये घर में आ चुकी हूँ और सारी सफाई कर चुकी हूँ, थक के अबू धाबी से वापस आ चुकी हूँ अल-दफ़रा में, और काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। 2 घंटे का सफ़र करने के बाद मैंने कुकिंग भी कर ली है, घर आके क्लीनिंग भी कर ली है जल्दी जल्दी से डन, और जल्दी जल्दी से चिकन पड़ा हुआ था मैंने ये चिकन कुक कर लिया है, और यही हम लोग अभी खाने में खाने वाले हैं। तो अब जल्दी से क्लीनिंग और कुकिंग करने के बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि ट्रैवलिंग करके गए थे और ट्रैवलिंग करके आए थे। तो अब मैं चाय बनाने लगी हूँ। खाने का अभी कोई ख़ास मूड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि उन लोगों ने हमें रिफ़्रेशमेंट सर्व की थी, तो वो हम लोगों ने 2 बजे वहाँ पर थोड़ा बहुत खाना खा लिया था, तो चाय हम लोगों ने वहाँ नहीं पी थी। तो अब जो है वो सारा काम डन कर लिया है मैंने, साथ में मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े भी धो लिए और क्लीनिंग भी कर ली है, और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है, और कुकिंग भी मैं कर चुकी हूँ, और डिनर भी रेडी है। तो अभी डिनर करने का मूड नहीं है, तो अभी हो रहा है तकरीबन 7 बजे का टाइम, और चाय पीने का दिल कर रहा था क्योंकि सुबह से अभी मैंने चाय नहीं पी, तो अब मैं बना रही हूँ चाय, और ये मैंने दूध रख दिया है, और दूध में थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, और थोड़ी सी पत्ती डालूँगी, और मुझे इलायची बहुत पसंद है, उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी मैं 1 या 2 भी डाल लेती हूँ। तो आप लोगों में से किस किस को इलायची के साथ चाय पीना पसंद है, आप लोग भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से करती हूँ अपनी चाय को रेडी। चाय हो रही है रेडी, और ये पक के ऊपर आ चुकी है, तो इससे पहले ये ज़्यादा ऊपर आए,
मैंने आंच जो है वो हल्की कर दी है ताकि ये और थोड़ी अच्छी तरह से पक जाए। तो मुझे चाय में इसका ज़्यादा वाइट कलर पसंद नहीं है, थोड़ी पकी हुई चाय अच्छी लगती है। और इसमें यानी कि मैंने फिर थोड़ी और पत्ती ऐड की थी, मुझे कम लग रही थी। तो अब मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही, तो मैं ये टैबलेट्स ऐड करती हूँ। और शुगर फ्री है, 0% कैलोरीज हैं इसमें। तो ये आप शुगर के अल्टरनेटिव में ऐड कर सकते हैं, अपने कप ऑफ टी में एक टेबलेट भी बहुत है और बहुत ज़्यादा मिठास हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं चाय को मग में पॉइंट करूँगी, तो इसमें बस 1 टेबलेट ही मैं ऐड करूँगी, तो वही बहुत इनाव है और बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है चाय। बट यह कि ये शुगर फ्री है तो इसमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा नहीं है। इसी तरह आजकल काफ़ी पाउडर्स भी अवेलेबल हैं, इसका रिव्यू मैं पहले भी दे चुकी हूँ, तो मेरे पहले एक ब्लॉग में इसका रिव्यू है इन टैबलेट्स के बारे में। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चाय जो है वो कप में डाल ली है, रेडी हो चुकी है और मैं करने लगी हूँ अपनी चाय को इंजॉय। और अब मैं बैठ के आराम से चाय पीती हूँ। और आप लोग अपना रखें बहुत सा ख्याल, मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आई नीड सपोर्टर्स फॉर माई चैनल। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।